हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSB फॉर फिजिक्स। आज हम कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं। जैसा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बड़ी आसानी से सॉल्व किया था, जिसने भी नहीं देखा हो वो देख सकता है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसकी लिंक डाल देंगे, उस पर क्लिक करेगा तो ओपन हो जाएगी। ठीक है, बिना टाइम बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जैसा कि आपको पता है, पढ़ाने से पहले हम आपको मोटिवेटेड स्पीच देते हैं, वो फिर आज लेके आ गया हूँ। क्या है, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर डेट पर्सन हु विल चेंज योर लाइफ, टेक ए लुक इन द मिरर। तो क्या बोले इंग्लिश में, हिंदी में सुनो। अगर आप उस व्यक्ति की खोज कर रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो आईने में एक नज़र डालिएगा अपनी। ठीक है, अपनी मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। आप इंटर के छात्र हो, ट्वेल्थ में आ गए हो, तो इतने समझदार हो गए, बिना समझाए आप इस स्पीच को समझ जाओगे। मुझे उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, पहले नंबर 1 पे कॉन्सेप्ट लाया हूँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा आपको। मैं इसकी आपको अब डिफिनेशन एक कुछ नहीं बताऊंगा, सीधे आपको फार्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आप सबके पास भी होंगे, आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, तो वो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँ, फालतू में टाइम बर्बाद है। चलो मैं आपको फार्मूला लेकर आ रहा हूँ। E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नॉट। जो Q नॉट होता है आपको पता है, ये एकांक चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज से इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नॉट। मात्र क्या उसका होगा, वोल्ट पर मीटर। इसका मात्र एक वोल्ट पर मीटर होता है, आपको पता होगा इसका मात्र वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर V बराबर होता है W अपॉन Q। अब W अपॉन Q क्या होगा, जूल प्रति कूलम, तो जूल प्रति कूलम प्रति मीटर, यही वाला। फिर क्या हुआ, जूल से W बराबर होता है F × S। जो W बराबर होता है वो F × S, फोर्स × डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन × मीटर हो गया। नीचे क्या है भाई, कूलम नीचे आ जाएगा, कूलम × मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर आ जाएगा। जो कि फोर्स का मात्रा यहाँ से निकाल सकते हैं, फोर्स बराबर यहाँ फोर्स का मात्रा न्यूटन, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रा यहाँ से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रा कैसे निकालोगे, फोर्स का मात्रा न्यूटन लिखोगे, और कूलम का मात्रक जो कि हम चार्ज कहते हैं, चार्ज होता है कूलम, सॉरी चार्ज का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम होता है, चार्ज का मात्रक कूलम होता है। ठीक है, अर्थात जो मैं कहना क्या चाह रहा वो समझेगा मेरी बात को। ये तो फालतू की बात थी, जो गलत बोला उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, जो यूनिट थी वो हमने कहा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर से आपको इतना समझ में आ गया, जूल प्रति कूलम मीटर कैसे आ गया, फिर इसे न्यूटन मीटर कूलम मीटर समझ में आ गया, और न्यूटन पर कूलम, ये होते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के मात्रक। खैर ये क्यों बता रहे हैं, मुझे पता है यार, यूपी बोर्ड जो है हमारा बोर्ड ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, इसको बोर्ड नहीं CBSE बोर्ड, हर बोर्ड इसको पूछ रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट क्या है इसकी। कभी कभी बोर्ड पर मीटर दे देगा, कभी आपको जूल प्रति कूलम मीटर दे देगा, कभी आपको न्यूटन मीटर कूलम मीटर दे देगा, कभी ये देगा, कभी तीन दे देगा, तीनों ये नहीं देगा, ठीक है, इनमें से कौन सा मात्रक ये नहीं है, तीन दे देगा, एक गलत होगा। अभी मैं इस टाइप के क्वेश्चन आगे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर से पढ़ लीजिएगा, मैं इसको बोलता हूँ, वोल्ट पर मीटर, जूल प्रति कूलम मीटर, जो प्रति लगाया जाता है कूलम नीचे है, आप समझ गए ना, हमने लगाया रखे। ठीक है, फिर हो जाएगा जूल का W बराबर F × S हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर कूलम मीटर और न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आए हैं हमारे पूछे गए, देखो अब बिना बताए आप इसका आंसर बता दीजिएगा तुरंत। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, मैंने पहले आपको बताया था आखिरी न्यूटन पर कूलम आया था, क्या आया था, ई बराबर, तो फार्मूले से आएगा ई बराबर क्या आता है, F अपॉन Q नॉट। यह क्या आता है, न्यूटन, यह क्या आता है, न्यूटन, ये क्या आता है, कूलम, तो सी ऑप्शन हमारा सही है, न्यूटन प्रति कूलम। इस तरह को न्यूटन डैश लगाए, गलती मत करना, ये डैश लगा यहाँ पर, ये गलत, कूलम पर ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ये गलत ऑप्शन पर भी ध्यान दिया करो, सही ऑप्शन कौन सा, न्यूटन प्रति कूलम, किसे फार्मूले से निकला है। ओके, आगे आओ।
देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, पूछे गए क्वेश्चन 2014 में पूछा गया ये, फिर आप ये बात मत कहना कि ये करा रहे फालतू क्वेश्चन, पूछा गया इसलिए मैं करा रहा हूँ भाई। इसमें फिर उसने पूछा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो वोल्ट पर मीटर भी मैंने याद कराया था, मात्रक जो याद कराया वो याद रखिएगा वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, इसमें दिया भी गया ए सही है, ठीक है बताना पड़ेगा नहीं, समझा चुका पहले ही मैं, फिर से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? देखो हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में होते हैं, पेपर टाइम में थोड़ी एक्साइटमेंट होती है, जब हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ी एक्साइटमेंट होती है, हम लोग टाइम ही समझते हैं जितना टाइम बचा सके उतना बचा सके, तो हम लोग इतना पढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है, और पहला देख लेते हैं न्यूनतम बस लगा देते हैं चले आते हैं, फिर घर पर देखते हैं यार मात्रक नहीं लिखा था यहाँ पर, ओ सेट यार गलती कर दी फिर मैंने, फिर पछताते हैं उसको, तो इससे बढ़िया आराम से करो ना जल्द जल्दबाजी किस चीज़ की है ना, टाइम आपको 3 घंटे देना है उसमें, 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं आपको, 3 घंटे पर देना टाइम है, खाली बैठ रहे हो फायदा क्या उसमें, तो इससे क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। इसे मैं पढ़ रहा हूँ, निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? नहीं पूछा नहीं, मैंने आपको ये बताया था ये न्यूटन प्रति कूलाम लिखा, जब कूलाम ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, ये भी बताया था वोल्ट पर मीटर, आपको ये भी बताया था मैंने, आपको ये भी बताया जूल कूलाम मीटर में, आपको मैंने ये भी बताया, पर आपको मैंने ये नहीं बताया अर्थार्थ, अर्थात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो मात्रक नहीं है वो मात्रक जूल कूलाम इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो मात्रक हमारा नहीं है जूल कूलाम इनवर्स, मैंने आपको कोई नहीं बताया, ठीक है ये भी मैंने आपको बताया, ये भी मैंने आपको बताया, ये भी मैंने, पर आपको ये नहीं बताया भाई, मात्रक नहीं है। आगे आते नहीं, इस कॉन्सेप्ट से मैंने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए 17, 16, 15, इतनी बार पूछा गया, ये भी सॉल्व किया मैंने, ये भी सॉल्व किया, ये भी पूछा गया, ये भी सॉल्व किया, तो कॉन्सेप्ट से उनमें का सॉल्व होते हैं यार। अब देखो क्या कह रहा है ये, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड विक्षेपित मतलब अपने आप को दूर कर सकता है, विक्षेपित कर सकता है, एक्स किरणें कर सकती हैं, न्यूट्रॉन कर सकता है, गामा किरणें कर सकती हैं, अल्फा किरणें कर सकती हैं, सोचिए कुछ लोग क्या करते हैं इसका, रियली बता रहा हूँ रियली में, आंसर याद कर लेते हैं, विकल्प जितने भी होते हैं उनका सिर्फ आंसर देखते हैं और बस इसका ये इसका ये इसका याद कर लेते हैं, लॉजिक नहीं समझते हैं, आगे लॉजिक से क्वेश्चन आते हैं, जब लोग आगे किसी भी कंपटीशन देते हैं तो लॉजिक पूछा जाता है और लॉजिक पता नहीं हमको होता है क्या करूँ मैं, हमने तो वहाँ पर याद कर लिया था कि वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है अल्फा किरणें, सही ऑप्शन इसमें ए मैंने दिया भी है, सी मैंने दिया भी है, तो अल्फा किरणें सही है, है कैसे ये नहीं पता हमको, कैसे है बता रहा हूँ मैं, आगे टेबल बनाई मैंने पूरी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई किरण जब विक्षेपित होंगी उस पर कोई ना कोई चार्ज होगा, मैं क्या कह रहा हूँ फिर से रिपीट, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई किरण विक्षेपित होगी तो उसके पास चार्ज होगा, क्या होगा चार्ज होगा, किरण विक्षेपित कब करेगी जब उसके पास चार्ज होगा, उसमें ए ऑप्शन एक्स किरणें दे रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, कैसी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन अपने आप में सबको बताएं न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं इसके पास है, गामा किरण अपने आप में न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं बचा किरण, अल्फा किरण पर पॉजिटिव चार्ज होता है आप सभी को पता होगा, पता है ना अल्फा किरण पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ऊपर बताता हूँ फिर से एक बार रिपीट से, क्वेश्चन देख के समझे माता मैं समझ सकता हूँ, रंग बदल लूँ उसका, चलो एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता था, वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कब कर जिसके पास कोई चार्ज होगा, एक्स किरणों के पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें होती हैं इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन अपने आप में क्या होती हैं कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है यार कोई चार्ज नहीं होता, गामा किरणें न्यूट्रल होती हैं कोई चार्ज नहीं होता, अल्फा किरणों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके अल्फा किरणों पर पॉजिटिव चार्ज होता है इतना पता होगा आपको, पता होगा बिल्कुल ठीक है, तो आप इसका लॉजिक समझ गए कैसे अल्फा किरणें आया, अल्फा किरणें आई कैसे आप ये समझ गए होगे, मैंने ये कहा आपको जिस पर कोई चार्ज होगा, अरे अल्फा किरणें ना दिया होता बीटा करने दे देता उस पर चार्ज होता है नेगेटिव होता है तो उसको कर देते हैं हम, इसलिए आप किसी को गोटी मत, वो ऑप्शन बदल भी सकता है, 2012 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो लॉजिक समझे अल्फा किरणों पर, लॉजिक में समझे लॉजिक क्या कहना चाहता था, लॉजिक में यही कहना चाहता अल्फा किरणों पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इनके पास चार्ज होता है ना इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए ये किरणें ऑप्शन हमारे गलत है और ये ऑप्शन सही है, ठीक है आगे देखते हैं। सवाल बढ़िया है, देखो मन से पढ़ना हमने फिर इसका सवाल को जितना मन से पढ़ोगे अरे यार आंसर अपने आप आएगा, दूसरी बात जब कभी आपको सवाल समझ में ना आए तो आप एक बात करना मेरी
सवाल को दुनना, दुनना जानते हो, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है मन में इमेजिंग करना, इलेक्ट्रॉन क्या है इमेजिंग करना, एक समान यूनिफॉर्मली, एक समान समझे, यूनिफॉर्मली कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक समान को, और विद्युत क्षेत्र में स्थित है, एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो, फिर दुना करो, फिर हल किया करो, ठीक है। आज सॉल्व करते हैं इसको, आगे इसका सोल्यूशन दिया है मैंने, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करते हैं। देखो उसने कहा था एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान, फिर से देखते हैं क्वेश्चन को, फिर से क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखो उसने कहा था एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन, एक समान विद्युत क्षेत्र, समझे यार, एक समान विद्युत क्षेत्र, भाषा समझा करो यार। देखो एक समान विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक समान यानी कि कॉन्स्टेंट है, हमें क्वेश्चन ने दे दिया, क्वेश्चन खुद दे रहा है, हमने नहीं कहा कोई मन से कोई कहानी नहीं जुड़ी कि हमने मन से कोई कहानी जुड़ी, कुछ नहीं जुड़ा मैंने, उसने खुद कहा था ना कि एक समान विद्युत क्षेत्र कर रहा था, तो ई कॉन्स्टेंट खुद उसने अपने आप ई कॉन्स्टेंट दे दिया यार, तो मैं क्या करूँ, उसने ई कॉन्स्टेंट दे दिया। आपको पता होगा एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों पर आवेश समान होता है, और लो अच्छी बात मिल गई, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन दोनों पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6×10^19, एक पर निगेटिव होता है एक पर पॉजिटिव होता है, उससे क्या मतलब मुझे, हमें उस पर मैग्नीट्यूड पर मतलब, उसके परिमाण पर मतलब है, ठीक है। आओ इसका सोल्यूशन देखते हैं फिर से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने यार इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट दी थी, फार्मूला पढ़ा था हमने यह बराबर की हुई, ठीक है, यह बराबर की हुई हमने फार्मूला पढ़ा था, ई कॉन्स्टेंट था, ई हमने प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश समान होते हैं, हमने आपसे पहले भी कह दिया था, हमसे मत कहना कि मन से कर लिया, लिख लिया ऐसे सॉल्व करने के लिए, कुछ नहीं, आप खुद लॉजिक लगाइएगा, प्रोटॉन पर चार्ज इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है, मैग्नीट्यूड परिमाण यार इतनी देर में पता होती ना, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए क्यूबिक कॉन्स्टेंट अर्थात जो मॉड ऑफ एफ होगा, जो मॉड ऑफ एफ होगा परिमाण होगा, और जो दूसरे का जो प्रमाण होगा भी दोनों का बराबर होगा, यानी प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन दोनों के जो प्रमाण है वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। देखो ऑप्शन ये दे रहा था, देखो बलों के प्रमाण बराबर होंगे, बी सही है अपना, बी कैसे आया समझ में आ गया, ओके आगे देखते हैं। ए सवाल देखिएगा, देखिए दांसू सवाल आए आज तो, अल्फा कण पर 15×10^4 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए, पूछा मुझसे एफ लगने वाला बल क्या होगा, एफ पूछा, ई मुझे उसने गिवन दे दिया 15×10^4। अब आपके मन में एक तुरंत एक क्वेश्चन आ गया होगा, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड को या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बात देखी है, ठीक है, तो मैंने वहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा, सबसे पहले मैं फार्मूला बताया था, मैंने कहा बहुत मन से वो पढ़ना, आपने पढ़ा होगा ई बराबर पढ़ा था आपने एफ अपॉन क्यू, ये पेन बढ़िया नहीं है, पेन अच्छा निकालो यार, रेड से गया था, ठीक है, ई बराबर हमने वहाँ पर फार्मूला पढ़ाया था एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ यहाँ से निकल जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू क्यू, क्यू क्या होता है चार्ज होता है, यानी एफ पूछा क्या गया, अरे फार्मूला मिल गया मुझे, एफ बराबर ई क्यू, अरे ई दे रहा है, ई गिवन है 15×10^4, क्यू नॉट कैसे निकालेंगे, अरे यार एक दिक्कत आ गई, इस दिक्कत को कैसे सॉल्व करोगे, अरे आप भी मजाक कर लेते हो, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, हाँ कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है, अरे आपको इतना भी पता है, और लो फिर क्या आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखो ये देखो ई मुझे गिवन था, ये पूछा था, जो चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है, याद करने की ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि अल्फा कण पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है, यानी 3×10^-19 कूलाम, ठीक है, तो ये बराबर क्यू ई फार्मूला लगा दिया मैंने, वैल्यू पुट अप की 3×10^-19 15×10^4 मान आया हमारा 4×8.0×10^-, इस मिसल को आगे लिया है तो 4×8×10^-40, ठीक है, देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा भाई, ए है, ठीक है, अब अगला देखते हैं, क्या जहर सवाल है यार, सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल को मुझे भी सॉल्व करने में कुछ टाइम लगाता, मैंने भी इसे सॉल्व किया था घर पे सॉल्व करता हूँ उसको, ठीक है, तभी इसको सोल्यूशन में दे पाता हूँ,
मैंने भी इसे सॉल्व किया था, सवाल आपका पढ़ा है, मैंने इस सवाल को पढ़ाया है कहीं, आप ध्यान करिएगा, शायद अगली वीडियो में पढ़ाया है, मैंने पार्ट नंबर 2 में मैंने सवाल को आपको पढ़ाया है। मैंने इसमें क्या कहा था, एक तेल की बूंद है, तेल की बूंद का उसने यम दिया था, वो मिलीग्राम में दे रहा था, याद है आपको? आपने वीडियो देखा है तो बढ़िया बात है, नहीं देखा टाइप करिएगा, तो आप ही का फ़ायदा है, वीडियो देखोगे तो आपका फ़ायदा होगा, मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ फ्री में, तो आप उसे एक्सेप्ट करिए यार, शेयर करिए, लाइक करिए, और क्या कहूँगा, हौसला बढ़ता है कुछ नहीं। देखो थोड़ा नया नया हूँ, आ जाएगी थोड़ी प्रैक्टिस में, ठीक है। हमने आपको अगली वीडियो में सवाल लगाया था कि तेल की बूंद थी, उसका द्रव्यमान दे रहा था 0.001 मिलीग्राम में दे रहा था, मिलीग्राम में, ठीक है। मैंने उसके ऊपर की बाहर की फोर्स लगाता, कितना लगाता, क्यू ई लगाता, नीचे की उसका बाहर एम जी लगाता, इतना पता होगा आपको, ऊपर की फोर्स क्यू ई, नीचे की बाहर एम जी, इतना पता था, और मैंने दोनों को बैलेंस्ड कर दिया था, बराबर कर दिया था। कैसे सॉल्व किया था पता था? उसी तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। दिक्कत क्या है कि सर जी उसमें यम दिया था, द्रव्यमान दिया था, मास दिया था, इसमें वो रेडियस दे रहा था, क्या दिक्कत, रेडियस दे रहा, कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं आप देखते हैं, सवाल पढ़िएगा एक बार। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10^-4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की बूंद को, जिस पर एक इलेक्ट्रॉन आवेश से समझिए, इसने क्यू दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6×10^-19 क्यू मिल गया आपको यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन खुद देता है यार, खुद वैल्यू देता है। वायु में स्थिर लटका सकें, जी का मान 10 दे दिया, बढ़िया है, 9.8 कहाँ गुणा करते, कुछ बहुत दिक्कत होती 9.8 से, एक नंबर का क्वेश्चन है, 2 मिनट खा जाता फालतू में, दिक्कत होती, तो जी का मान 10 दे दिया उसने, सुविधाजनक कर दिया, ठीक है, आगे देखते हैं इसको, ठीक है। इसका क्वेश्चन सी है, ठीक है, कैसे आया वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ये देखिएगा, बिल्कुल सोल्यूशन लाया हूँ, बिल्कुल देखिएगा, जल की बूंद, ये जरा मोटा हो गया यार, जरा एक जल की बूंद पर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, भाई सवाल था, भाई लगा रहा हूँ, भाई से पढ़ तो लिया हो आपने, जल की बूंद है, उसमें मैंने आपकी बूंद की फोटो दिखाई थी, बूंद बहुत छोटी होती है, ठीक है, और इसमें मैं आपको नहीं दिखा पाया, संकोच है यार, ध्यान नहीं दिया, मतलब मैं उसकी भी फोटो, जल की बूंद की भी फोटो लाता आपको, मैंने आप उसको तेल की बूंद दिखाई थी, कौन सा तेल था, वो बजाज तेल था, चलो क्या मतलब, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब उसको करते हैं, ये जल की बूंद होगी, ठीक है। जल की बूंद पर नीचे क्यों कितना फोर्स लगेगा, बूंद है ये, ठीक है, ये फोर्स लगेगा, ये बराबर एम जी उसका भार लगेगा, या सीधी बात है कंपल्सरी, ऊपर की ओर का होगा, ऊपर की ओर उसका क्या लगेगा, बल लगेगा, ये बराबर क्यू ई फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, ये बराबर क्यू ई नीचे की ओर एम जी लगेगा। अब सीधी बात है, हम क्या करेंगे, आपको पता ही होगा कि बैलेंस्ड पोजीशन है, वो जब ऊपर को नीचे एम जी लगाया है, ऊपर की ओर क्यू ई लगाया है, दोनों को बैलेंस किया है, तो दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगी, यहाँ से ई बराबर एम जी अपन क्यू कर लेंगे। दिक्कत है कि एम कहाँ से निकालें, तो मैं एम यहाँ से निकालना हूँ, 4/3 πr³, तो पता ही होगा यार 4/3 ना, सीधी बात सुनो, आपने पढ़ा होगा एम क्या पढ़ा होगा, डेंसिटी बराबर पढ़ा होगा एम अपॉन बी मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा है आपने, आपने ये फंडा पढ़ा है, फिर से कह रहा हूँ डी बराबर एम अपॉन बी पढ़ा है इतना आपने, डी बराबर एम अपॉन बी, यार क्या है लकी रिसीवर हो जाती है बीच में, ये लाइन बड़ी डिस्टर्ब कर रही है, चलो मैं अपने ध्यान देता हूँ, डी बराबर एम अपॉन बी, ये आपने फंडा पढ़ा है, यहाँ से एम निकालिएगा, एम बराबर डी भी हो जाएगा, डी क्या है, डेंसिटी है, डी क्या है, डेंसिटी है, जल का घनत्व है, कंपलसरी सबको पता होता है जल का घनत्व, ये दिया है पानी की बूंद का घनत्व है, जल का घनत्व 10^3 किलोग्राम मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यों क्या है, इसकी यूनिट है, और जल की बूंद का जो घनत्व होता है वो 10^3 होता है हमेशा, ठीक है, जल की बूंद का जो घनत्व होता है वो 10^3 होता है। तो मैंने यहाँ से एम निकाला, तो बी कितना था 4/3 πr³ हो गया, डी तो आर सेंटीमीटर दे रहा था मुझको, मैंने मीटर बदला इसको,
फिर 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर होते हैं, अर्थात मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 4/3 10 की पावर -15 हो जाएगा। क्यू का मैंने बता दिया था पहले ही आपको, क्यू एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा था, तो एन ई का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको पुटअप कर दूँ, एम का मान ये पुटअप किया मैंने, जी का मान 10 दे रहा था, क्यू ये यहाँ पर पुटअप किया, क्यू देखो क्यू हल करना इसको, तो आंसर हमारा 0 पॉइंट, तो जो हमारा आंसर आएगा वो इतना आएगा 2.62 × 10^5 न्यूटन प्रति कूलम। सोल्यूशन जाना, ये जो कैलकुलेशन है वो कठिन जाना नहीं है, ठीक है, सॉल्व करना उसको। मैंने पाई का मान 3.14 रखा था, 22/7 ने रखा, 22/7 तक रखते, जब कोई चीज़ कट रहा हो, कोई वेरिएबल कट रहा हो तो उससे रख देंगे तो फायदा आया, 22/7 रख लो, 3.14 रख लो, आपकी श्रद्धा अनुसार है। यह है कि 3.14 थोड़ा अच्छा मान होता है, 22/7 यार रख देते हैं, जब कोई वेरिएबल कट रहा हो तो रख देते हैं, फालतू में वेरिएबल बड़ा हो रहे हैं, कैलकुलेशन हल कर लेंगे फालतू में। ठीक है, सॉल्व करना इसको, इतनी आंसर आएगा। अगला देखते हैं सवाल, एकदम जहर है। ठीक है यार, इसका भी आप लोगों ने आंसर याद कर लिया होगा, कर लिया होगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा कॉन्सेप्ट, पर इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है वो पार्ट 3 हमारा जो चैप्टर 3 है, क्या है चैप्टर 3, वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंटियल है, वो हम आपको बांध पढ़ाएंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। शायद उम्मीद करता हूँ आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर 3 है हमारी किताब बुक का, तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, चलो कैसे करता हूँ बताता हूँ, पढ़ो सवाल पढ़ो। दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस q तथा माइनस q के बीच बल F है, प्लस q तथा माइनस q, समझ लिया यार, जल्दी जल्दी में प्लस q पढ़ देते हैं यार, इसलिए कि समान आवेश दे दिए दोस्त, बिंदु आवेश ध्यान देते, ध्यान देना, दो बिंदु बिंदु आवेश है, ये क्या यार बिंदु आवेश, बिंदु आवेश जानते हो पॉइंट चार्ज, आपको एक बार फिर से कड़वा सुनता रहा हूँ मैं, कूलाम का जो नियम है वो ओनली पॉइंट चार्ज के लिए संभव है, छोटे चार्ज के लिए। ठीक है, लिखा होता है, लिमिट पढ़ना उसकी तो पता चलेगा आपको। दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस q व माइनस q, प्लस q व माइनस q के बीच यह फोर्स है, यदि एक आवेश को स्थिर, एक आवेश को स्थिर कर ले रहे हैं और दूसरे आवेश को चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त पे चक्कर काटे, दूसरा आवेश जिम 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 चक्कर काट रहा है और ये स्थिर है, ये देख रहा है, मजा ले रहा है, ये मजा ले रहा है कि स्थिर देख रहा है और ये इसके चक्कर परिक्रमा कर रहा है मान चलो, तो उसने क्या पूछा, W पूछा, W यार W पूछ दिया उसने, कैसे करें सोचो, आपको सोचो कैसे करेंगे यार, आपने चैप्टर 3 पढ़ा होगा तो उसका कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ, समझवाना चाहिए आपको, पढ़ लेना है ना, समझ में तो आगे फिर से बता दूंगा। ठीक है, क्या उसका कॉन्सेप्ट यार यूज कर लिया तो सरल सवाल हो गया। चलो देखते हैं, हमने एक आवेश को स्थिर किया, मैंने पहले कहा था एक आवेश स्थिर है, सवाल कह रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक गतिमान है, एक झुम 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 ट्रेन से डुम 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 ऐसे गति कर रहा हो, उसने कहा है कि किया गया कार क्या होगा, डब्लू पूछ दिया मैंने उससे, डब्लू वर्क पूछ दिया उसने, कैसे निकालें, मैंने सीधे कहा एक बात कहा आप लोगों से कि हम एक किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लें, वैद्युत विभव निकाल लें, बिंदु आवेश के कारण हम विभव बी निकाल लें, और बिंदु आवेश का विभव होता है क्या, के क्यू बाई आर होता है, और आर तो उसने दे दी थी, और तो कांस्टेंट है ना भाई, आर जो है वो क्या है कांस्टेंट है, इस बिंदु पर विभव निकाल लें, इस बिंदु पर विभव निकाल लें, यदि हम इस बिंदु पर विभव निकाल लें उतना ही होगा, इस बिंदु पर विभव निकाल लें उतना ही होगा, इस बिंदु पर विभव निकाल लें उतना ही होगा, क्योंकि आर भाई होगी ना जो रेडियस इसकी भाई आर, आर वही जगह होगी, अर्थात बिंदु आवेश का ये फार्मूला होता है के क्यू बाई आर, आर इसमें कांस्टेंट होगी, अर्थात सभी बिंदुओं पर जो विभव होगा वो समान होगा, सभी बिंदुओं पर जो विभव होगा वो समान होगा, जब वैद्युत विभव समान हो तो भय पृष्ठ कौन सा पृष्ठ होता है, गॉसियन पृष्ठ होता है, एक बार फिर से देखो, जिस बिंदु पर सभी बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर क्या हो वैद्युत विभव समान हो तो भय पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ होता है। ठीक है, आपने यहाँ पर बल डब्ल्यू का फॉर्मूला पढ़ा होगा तीसरे चैप्टर में, वो पढ़ाया नहीं पता, डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू डेल्टा, अभी तीसरे चैप्टर से आया है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आया है, मैं आपको बताऊंगा, तो इसमें डेल्टा भी जीरो हो गया यार, सब बिंदु पर जब विभव समान है यार कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट टाइम जीरो हो गया, तो डब्ल्यू बराबर शून्य आ गया, यानी जो कार है वो जीरो हो गया, लेट्स प्रूव, ये सिद्ध करना था, देखो ना इसमें ऑप्शन जीरो दे भी तो रहा है, पूछा गया असीमत लेना इसको, ये ऑप्शन डी हमारा सही भी है,
ठीक है, अब आगे देखते हैं। आज का लेक्चर इतना ही होता है वहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ सब्सक्राइब दिस चैनल। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके बाय।